किसी शहर की सुंदरता किस पर निर्भर करती है? आप कहेंगे सिटी का क्लेनलीनेस, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर स्टाइल एक सिटी को सुंदर बनाती है। मतलब आप ऐसी सिटी में जाएंगे तो वहाँ का साफ सुंदर एनवायरनमेंट पसंद आएगा ही। लेकिन किसी जगह की सुंदरता अलग अलग रंगों के कारण भी बढ़ती है। जैसे कोई सिटी में हाउसेस या बिल्डिंग के वाइब्रेंट कलरफुल कलर्स होंगे तो वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। कलरफुल हाउसेस या बिल्डिंग वाली सिटी एक यूनिक और इम्प्रेसिव लुक देती है। वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही ऐसे कलरफुल सिटीज हैं और ये सिटीज कलरफुल होने के पीछे कोई वजह जुड़ी है, जिनके बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। कनाडा, सेंट जॉन। कनाडा के न्यू ब्रुंसविक प्रोविंस में सेंट जॉन नाम की एक सिटी है। कनाडा की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, जो 1975 में शुरू हुई थी। ब्राइट कलर के हाउसेस इस सिटी का मेन अट्रैक्शन है। इन घरों को ब्राइट कलर से कलर करने की वजह थी कि फॉगी वेदर के वक्त भी उनके घर अच्छे दिखाई दें। इस सिटी में घूमने का एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के लिए असंभव है। मोरक्को, शेफ शोएन। मोरक्को में शेफ शोएन नाम की छोटी सी सिटी है। ये सिटी यहाँ के आई कैचिंग ब्लू बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। ईयर 1930 में यहूदी शरणार्थी लोगों ने इस सिटी को ब्लूइश कलर किया था, क्योंकि जुडेसिम में ब्लू कलर हेवन और स्काई का सिंबल माना जाता है। यहूदी की पुरानी ट्रेडिशन को याद रख के और उस इतिहास को जीवित रखने के लिए सिटी के लोग हमेशा अपने घरों को ब्लू कलर करते हैं। इस सिटी की सुंदरता बारिश के मौसम में और ज्यादा बढ़ती है। बारिश के वेट कंडीशन में सिटी क्लियर ब्लू वर्ल्ड ऑफ वाटर की तरह दिखती है। इटली, वेनिस। नॉर्थ वेनिस में बुरानो नाम का छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे और चार आइलैंड ब्रिज से इंटरकनेक्टेड है। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ का मल्टी कलर्ड हाउसेस, जो कैनल के बाजू दिखाई देते हैं। वेनिस के इस प्लेस में घरों को अलग अलग रंग करने के पीछे एक कारण है। बुरानो आइलैंड में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फिश पकड़ने का काम करते हैं। हैवी फॉग के वक्त फिशरमैन को अपने घर पहचानने में तकलीफ होती थी, जिस कारण उन्होंने सब घर को अलग अलग कलर्स किए हैं। तब से बुरानो में घरों को अलग अलग रंग किए जाते हैं। राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इस सिटी को ब्लू सिटी भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारत के ब्राह्मण पुरोहित कास्ट ने घरों को कलर करने की परंपरा शुरू की थी, लेकिन बाकी कास्ट के लोगों ने भी सेम ट्रेडिशन फॉलो करके अपने घरों को ब्लू कलर किया है। साउथ अफ्रीका, बोकाप। केप टाउन के फुटहिल पे बोकाप नाम का हिस्टोरिक सबर्ब है। इस एरिया में ब्राइट कलरफुल रेसिडेंशियल हाउसेस हैं। ये कलरफुल हाउसेस की हिस्ट्री 16th और 17th सेंचुरी से शुरू हुई थी। डॉच ने इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरे अफ्रीकन कंट्री से बहुत से गुलामों को केप टाउन में भेजा था। उन गुलामों को केप मलायस नाम से जाना जाता था। उस वक्त ईयर 1970 में इन लोगों ने बहुत से घर बनाए थे। ये थे वर्ल्ड के फेमस कलरफुल सिटीज। हर एक सिटी के हाउसेस को कलर करने के पीछे एक वजह जुड़ी है, जो हमने इस वीडियो में देखा। अगर आप और कोई ऐसी कलरफुल सिटीज जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।